नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सातवें पूछा गया मैन ऑफ 60 kg रिकॉर्डेड हिज वेट, और 60 kg रिकॉर्ड करता है ऑन द वेटलेस वेट मशीन प्लेस इन साइड द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। द रेशियो ऑफ द वेट रिकॉर्ड वेट मशीन असेंडिंग अप टू यूनिफॉर्म स्पीड 2 m/s एंड डिसेंडिंग डाउन विथ द यूनिफॉर्म स्पीड 4 m/s। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर कभी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई लिफ्ट मूव करे तो उसके जो इंसान अंदर बैठा है उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता, ए लिफ्ट है, अगर ए लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए लिफ्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड दूसरा लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सलेशन, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी एक्सलेशन जीरो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सलेशन जीरो। इसके लिए सपोज करो इसका एम जी नीचे की तरफ नॉर्मल ऊपर, इसमें भी एम जी नीचे एंड नॉर्मल ऊपर, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर मूव कर रहा है तो n माइनस एम जी इजकल टू जीरो, इसके लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एन इजकल टू जीरो। दोनों ही केस में नॉर्मल इजकल टू एम जी मतलब दोनों का वेट कितना दिखाएगा, एम जी जितना वो रहेगा उतना ही दिखाएगा, मतलब 600 N उसका 60 kg 60 kg दोनों में केस में दिखाएगा, मतलब रेशियो जो आएगा आपका दोनों में, रेशियो जो आएगा वन N1 रेशियो N2, ठीक है, डिवाइड इजकल टू 1, ठीक है, दोनों का रेशियो 1 के बराबर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, थैंक यू।